हमारी जिंदगी में तुम्हें थी, तुम्हें हो, तुम्हें रहोगी दशा। सिंथिया दीदी, तब से कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, थोड़ी देर इंतजार करो, अगर फिर भी चुप नहीं होता है तो मैं आ जाती हूँ। अपनी जीने की चाह को कायम रखती तो हम सोचते हमसे प्यार करती है, जिंदगी से लड़ती तो हम सोचते हमसे प्यार करती है। ये कह के हम किसी और से शादी कर ले, वो मान हो गई है अभी बॉस। अब आप ही देखिए ना, एक बच्चे के आने से पूरे परिवार में कितनी खुशी आ गई। काकुल, जब से मिस्टर हैंडसम इस घर में आया ना, तब से मुझे एहसास हुआ है कि कंप्लीट फैमिली क्या होती है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, इन दोनों के हौसले और बढ़ गए। तुम तीनों मिलकर मेरे खिलाफ यूनियन बना रहे हो। उत्तरा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और आप हैं इस यूनियन की लीडर। मम्मी प्लीज, आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज मुझसे डायरेक्टली कहिए, दादी माँ से कुछ मत कहिए। देविका, तू बच्चे के साथ खेलती रहेगी? आया बना के रख दिया इन लोगों ने। देविका, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। क्या मामा, इतने नाराज क्यों हो? हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूटी है। तुम कर रही हो ना ये सब ताकि मेरी देविका भी तुम्हारे बहकावे में आ जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम तीनों को एक एक करके इस घर से ना निकलवाए ना, तो मेरा नाम भी उत्तरा नहीं। ठीक है, आपसे जो बन पड़ता है आप कर लीजिए, मैं भी देखती हूँ हमें इस घर से कौन निकालता है। मम्मी, और एक बात मत भूलिए, ये घर जितना आपका है उतना हमारा भी है। ये बात ना मैं कभी भूलूंगी और ना ही कभी आपको भूलने दूंगी। चलो काकू, चलो नेहा। क्या तेरी माँ को कुछ भी सुना कर चलेगी और तू है कि? मामा प्लीज, आहिस्ता बोलिए, रोने लगेगा नहीं तो। अम्मा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप इनका साथ देती है ना, तभी इनकी मजाल हुई कि मेरे खिलाफ बोल रही है। उत्तरा, साथ तो मैंने तुम्हारा भी दिया, इसलिए शायद आज तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे सामने तुम अपनी बहुओं से इस तरह का बर्ताव करो। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, मैं काकुल, सिंथिया और नेहा का ही साथ दूंगी, समझी? आज तक तरह की बात को काटने के लिए इस घर में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, मगर आज तुझे दुर्गा बने देखकर मुझे यकीन हो गया कि अब इस घर में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। दादी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। जब आप मुझे कमरे से खींच कर लाई ना, तो मुझे लगा कि मैं डांटूंगी। एक बात बताइए दादी, आपने मम्मी को इतने सालों तक कैसे बर्दाश्त किया है? आपने कभी उनको कुछ नहीं कहा? मैं इतने साल इसलिए चुप रही कि बात को आगे क्यों बढ़ाना, घर में जितनी शांति बनी रहे उतना अच्छा है। और जब मैंने अपनी सारी गृहस्थी उत्तरा को सौंप दी तो फिर उसके अधिकार पे है सवाल उठाना मेरी फितरत में नहीं है बेटी। दादी, वैसे दादी आप भी किसी से कम नहीं है। अच्छा, वन मिनट।
ये लो। ये क्या है दादी? सही समय पर सही इंसान को सही बात सुनाने के लिए गिफ्ट। Oh my God, so pretty. दादी थैंक यू सो मच। ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। चलो ना, कितना टाइम लगा रहे हो? ये मेरे ऊंट की चलेगी तुम्हारे सिपाही है। ओह हाय हाय। ये लड़की अभी तक यही खड़ी है। पता नहीं कब मेरे बेटे का पीछा छोड़ेगी। कैसी हो नेहा? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे हॉस्पिटल का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मुझे हॉस्पिटल के काम के बारे में कोई बात नहीं करनी। टुडे इज अ हॉलिडे और आज मैं यहाँ पर रिलैक्स करने आई हूँ। और चेस का गेम फिनिश करने के लिए, राइट? राइट। ओके, माय टर्न। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेहा, एक मिनट रुको। पापा ने पेपर साइन कर दिए। शरद क्या कर रहे हो? अपनी रानी को बचाओ ना। हाँ, अब तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, ये एक दो ढाई, चलो। और बेटा, बाजी कहाँ तक पहुंची? आंटी जी, बाजी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है। शरद की रानी खतरे में है। अब वो अपनी रानी कैसे बचाएगा? जी, अरे बेटा, अब शरद को चेस की आदत कहाँ रह गई है? वो तो तुम आई हो तो इसने खेलना शुरू किया है, और तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट के साथ खेलते हुए ये अपनी रानी को कैसे बचा सकता है? हाउ स्वीट आंटी, थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट के बिना पता नहीं मैं क्या करती। अरे बेटा, तुम्हें मैं कैसे नहीं सपोर्ट करूंगी। अरे नेहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ तुम भी चेस खेलो, तुम तो शतरंज बहुत अच्छा खेलती हो। नहीं आंटी, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी बेटा? मैं चाय और गरम गरम पकौड़ी बनाकर लेकर आ रही हूँ, खा के जाना। थैंक यू आंटी, लेकिन बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। बाय बाय बेटा। ऐसी बाजी खेली है मैंने कि तुम्हारे पास यहाँ से भाग जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा, और वो भी हमेशा के लिए। ओ बेबी, लुक हियर। यस, ओके ओके ओके, लुक हियर। नहीं नहीं नहीं, रोती नहीं, रोती नहीं, नहीं, स्माइल 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 स्माइल, दैट्स नाइस। ऑलराइट, ओके। काकुल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुम दो मिनट अगर वेट कर लेते तो क्या हो जाता? देविका दीदी, हम तो बस, अब नाराज मत होइए, फिर से एक बार ट्राई कर लीजिए। इतना आसान है, लो तुम करके देख लो, करो। काकुल, तुमने पानी रखा था गरम करने के लिए? जी मम्मी जी, वो छुटकू के बॉटल स्टेरिलाइज करने हैं। पानी उबल रहा है जी। बेटा, शरद और तारा की भी तस्वीर खींचना। मम्मा, ऐसे अचानक जाकर उनकी फोटो खींच लो, सब घर वाले क्या सोचेंगे और शरद को शक हो जाएगा। ओफो, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, किसी को कोई शक नहीं होगा। ऐसा करते हैं, मैं सबको पहले बाहर बुलाती और तू सबकी, हाँ, फैमिली फोटो खींच, और फिर धीरे धीरे तेरे पापा की, मेरी, इनकी, अम्मा की, और फिर शरद और तारा की। बिल्कुल सही। चलिए मैं आती हूँ। ठीक है, आ जा। पहली
फोटो मेरे मुन्ना की। अमरनाथ ये ऐसा वैसा क्यों नहीं है, बहुत ज्ञानी है, वो सिर्फ पेशेंट को देखते हैं और बता देते हैं कि उसे क्या हुआ और फिर थोड़ा सा अमृत देते हैं जिससे वो ठीक हो जाए हमेशा के लिए। अम्मा शास्त्रों में भी पानी को यानी जल को अमृत कहा गया। अरे लेकिन ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, जादुई पानी है जिससे सारे मर्ज ठीक हो जाते हैं। अम्मा प्लीज मुझे तुम मान ले चलो। अम्मा देखो देखो जब घर में ऋषभ जैसा काबिल डॉक्टर है तो इन नीम हकीमों के पास जाने का क्या फायदा है। और अम्मा जरा सोचो कि ऋषभ को जब पता चलेगा कि मैं आपको किसी ऐसी जगह पर ले गया हूँ तो कितना गुस्सा करेगा वो मुझ पर। और अम्मा देखो उसका नया हॉस्पिटल शुरू होने वाला है, एक बार हॉस्पिटल खुल जाए तो फिर क्या चिंता है। अरे तरह तरह के डॉक्टर होंगे, जो भी इलाज करवाना हो जिस भी डॉक्टर को चाहो आप घर पे बुला लेना। पर ये सारे डॉक्टर पानी से तो नहीं ठीक कर सकते ना, ये नीम हकीम की तरह। अम्मा अम्मा ये सब एडवर्टाइजिंग गिमिक्स होते हैं अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। वो मैं वहाँ जाके तय करूंगी कि धंधा है या लोक सेवा, तुम मुझे ले जाओगे या नहीं। अरे सुनिए ना अम्मा, जब कह रही है तो इन्हें ले जा लीजिए ना। तुरा, क्या बात है, आज अम्मा पर इतनी मेहरबान क्यों? अरे इसमें मेहरबानी की कौन सी बात है, वैसे मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे समझते हैं। देखा पुत्र अभी मानते, चलो चलते। अम्मा अभी? हाँ अम्मा अभी नहीं, आप ऐसा करिए कल जाना, कल सुबह जल्दी निकल कर जल्दी वापस आ जाइएगा ताकि ऋषभ को पता न चले। चलिए अब उठिए आप लोग, बाहर सब लोग फैमिली फोटोग्राफ्स खींच रहे, चलिए आप लोग भी आइए। फैमिली फोटोज अभी यहाँ क्यों, कोई कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? अरे खास स्पेशल ओकेजन क्या, सब लोग घर पे हैं, सब लोग खुश हैं, ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है, चलिए आप लोग। अरे पर ऋषभ और सम्मान कहाँ है? ओफो ऋषभ और सम्मान नहीं है, उनकी बीवियाँ तो है और बंटी भी है। चलिए उठिए आप लोग, मैं बाकी सबको बुला कर लाती हूँ, जल्दी आना। चलो चलते चलो, कहीं उत्तरा अपनी सोच बदलना। पहली बार तो उसने सोचा है अपनी बहू को फैमिली फोटो में शामिल करना, ये मौका नहीं गवाना चाहिए। चलो चलो आराम से घुटनों का ख्याल रखो। यहाँ जाओ बेटा, और बंटी तुम अपनी मम्मी के पास सिंथिया, यहाँ काकुल इधर खड़ी रहो, तारा बेटा आ जाओ तुम भी आओ फोटो में। जी आपकी फैमिली में मैं कैसे? अरे तुम कैसे नहीं, अब तो तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, एक दिन तुम्हारी फोटो भी हमारी फैमिली एल्बम में लगे। आओ चलो कम कम आओ, यहाँ खड़े यहाँ। ओ आंटी थैंक यू सो मच। लेकिन आंटी अचानक ये फैमिली फोटोग्राफ क्यों, कोई स्पेशल ओकेजन है? अरे बेटा तूने ही तो कहा था कि आपकी फैमिली एल्बम में बहुओं की एक भी फोटो नहीं है, तो ये देखो ना ये है मेरी बहू, ये है काकुल और ये है सिंथिया। अम्मा आइए जी आइए, आओ अम्मा आप यहाँ जाओ। बंटी मेरे पास आ जा, शाबाश। हाँ बेटा तू फोकस करके तू भी आ जा। कैसे खड़े हैं आप लोग? पापा कम क्लोजर टू मामा। शरद जरा पास आके खड़े हो ना। हाँ दैट्स नाइस। ओके एवरीबॉडी स्माइल। अचानक शरद और तारा एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए हैं कि शायद मेरी ही गलती है। अगर मैंने शरद को ऐसी नामुमकिन शर्त में बांधा ना होता तो आज हम दोनों। शायद हम दोनों में इतनी दूरियां ना आती कि कोई तीसरा आकर हमारी मजबूरी को अपना हक समझ बैठे। खैर जब फैसला हो ही गया तो सोचने से क्या फायदा। उत्तरा आंटी ने मुझे रुकने के लिए कहा, स्ट्रेंज, और वो भी इतने प्यार से। कहीं वहां रुककर वो मुझे शरद और तारा के सामने नीचा तो दिखाना नहीं चाहती थी, या फिर तारा के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रही थी।
शरद और तारा की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। They really look good together. शरद के लिए जैसी दुल्हन मैंने सोची थी ना, तारा बिल्कुल वही है और इस घर के लिए भी एकदम सही है। माँ, आप जो सोच रहे हैं क्या वो आप कर पाएंगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दे। अब तू देखना इस फोटो के सहारे मैं क्या क्या करती हूँ। और पापा को पता चल गया तो? अरे मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी तेरे पापा को नेहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी माँ, पापा इस तरह चोरी छुपे की गई बातें पसंद नहीं करेंगे। अरे तेरे पापा को मैं संभाल दूंगी, पर तू वही करना जो मैं कहूंगी। देखना मैं ऐसे हालात पैदा करूंगी कि तेरे पापा मना ही नहीं कर पाएंगे। इस बात के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देविका से कह रही थी कि अगर हम ये फोटोग्राफ एनलार्ज करके हॉल में लगाए तो। बहुत अच्छा आइडिया भाई, इसके लिए मना करने का सवाल ही नहीं उठता। देखा मैंने क्या कहा था, तेरे पापा के लिए फैमिली से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ना ना मैं नहीं मिला हूँ अम्मा, लेकिन सुनते हैं कि बहुत नामी हकीम है। अरे अम्मा संभल के जाना और जल्दी से वापस आ जाना ऋषभ के आने से पहले। अब उत्तरा क्या पता वहाँ कितना वक्त लग जाता है, है? क्या है ना उत्तरा, नामी हकीम है, बहुत लोग होंगे वहाँ पर, वक्त तो लगेगा ही। तुम भी कहीं जा रही हो क्या? अरे भाई मैं सुबह सुबह अपना सारा काम धंधा छोड़कर कहाँ जाऊंगी, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। चलो कहीं जा रही है मम्मी? टोक दिया। जब कोई बाहर किसी काम से जा रहा होता ना, उसे टोका नहीं करते, काम खराब हो जाता है। नहीं मुझे नहीं मालूम था, और वैसे भी मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती। मम्मी अब क्या है? ऑल द बेस्ट। मना किया टोकने को, फिर भी ऑल द बेस्ट। मेरी मम्मी जी। ओहो ये लड़की भी ना, कितनी बार समझाऊं इसे, खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलते। आज भी बिना नाश्ता किए चली गई। भाभी आप आइए ना, आइए। कौशल्या मुझे आने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। ये लो तुम्हारे लिए तोहफा, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के लिए। ये क्या है भाभी? खुद ही देख लो ना। देख रही ना, ये है मेरा परिवार और ये है मेरे परिवार के लोग। इसमें कहीं तुम्हें अपनी बेटी के लिए जगह नजर आ रही? चौंक गई? कुछ गलत पूछा मैंने? बरसों से तुम और तुम्हारी बेटी यही सपना देखते आई हो ना, कि तुम्हारी बेटी नेहा मेरी परिवार की बहू बने। इसीलिए मैं तुम्हें ये फोटो दिखा रही हूं, ताकि तुम अपनी आंख से देखकर तसल्ली कर लो और अपनी बेटी को भी समझा दो कि वो मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। इतने दिनों से तो सिर्फ मैं और तुम्हारे अमरनाथ भाई साहब इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन अब मेरा बेटा शरद भी यही चाहता है। ये है तारा। शरद और तारा की जोड़ी कितनी जच रही है ना। फिर तुम्हारी बेटी
मेरी शरद का पीछा क्यों नहीं छोड़ती, ये जानते हुए भी कि शरद अब तारा को चाहने लगा है। तुम्हारी बेटी शरद के पीछे क्यों पड़ी रहती है, बाहर ये बना बना के मेरे घर में क्यों चली आती है? ये संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटी को कि कैसे भले घर के लड़कों को फंसाना चाहिए? कौशल्या, अगर तुम में जरा सी भी शर्म बाकी है ना, तो कोई अच्छा लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी कर दो और उससे कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, क्योंकि हमने उसकी शादी तय कर दी है तारा के साथ, जो कि हर लिहाज से मेरे बेटे के लायक है। और मैं नहीं चाहती कि सक्सेना की नाजायज औलाद तुम्हारी लाडली नेहा का मेरे बेटे के साथ कोई लेना देना रहे। एक मिनट, आपसे किसने कह दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवाना चाहती हूँ? मैं अपनी बेटी को कुएं में धकेल दूंगी, पर आपके घर की बहू नहीं बनने दूंगी, समझिया? मतलब जो आप चाहती थी वो हो गया। हुँ? ये सब सुनने के बाद तो कौशल्या आंटी नेहा को कभी भी शरद से मिलने नहीं देंगे। हाँ बेटा, बहुत होशियारी से तारा और शरद को एक दूसरे के करीब लाना होगा। मुझे ऐसी फैमिली क्यों नहीं थी मॉम? स्टॉप ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग तारा। अगर मुझे शादी करनी है तो मैं शादी अपने आइडियल डॉक्टर ऋषभ जैसे इंसान के साथ करना चाहूंगी। तुम्हारी तरह मुझे बहानों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे लिए ये तस्वीर देकर गई है,